Well, मैंने आप लोगों को हाल ही में ही बताया था कि टॉय स्टोरी 5 मूवी अंडर डेवलपमेंट में है एंड नाउ इस मूवी से रिलेटेड काफी इंटरेस्टिंग अपडेट निकल कर आई है। तो कहा जा रहा है कि ये जो अपना एनडीए है ना, हाँ यही एनडीए जो बड़ा हो चुका है, तो ये पार्ट 5 में वुडी से डायरेक्टली बातचीत करेगा, मतलब कि वुडी इसके सामने लाइफ में आ जाएगा और उससे डायरेक्टली बात करेगा और इस कन्वर्सेशन के थ्रू ये दोनों एक दूसरे से प्रॉपर गुड बाय करेंगे। हाँ वो बात अलग है कि मुझे और मेरे जैसे काफी फैंस को लगता है कि वो प्रॉपर गुड बाय हमें टॉय स्टोरी 3 मूवी में मिल चुका है। इवन दो सम फैंस का तो ये भी कहना है कि टॉय स्टोरी फ्रेंचाइजी का प्रॉपर एंड टॉय स्टोरी 3 मूवी में ही हो जाना चाहिए था, बट स्टूडियो ने फिर फोर्थ पार्ट निकाला जो हाँ एक तरीके से काफी अच्छा पार्ट था एंड नाउ फिफ्थ पार्ट ऑन द वे ही है। और अगर मूवी में हमें ये सिनेरियो देखने को मिला लाइक वुडी एंड एंडी आपस में बात करेंगे, डेफिनेटली ये सीन इमोशनल से भरा पड़ा होगा, जिसके लिए मैं एक्साइटेड हूँ। एंड टॉय स्टोरी 5 हमें 19 जून 2026 को देखने को मिलेगी। आप इस मूवी के लिए एक्साइटेड हो या नहीं कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वेल लाइव्स आउट एंड नाइव्स आउट मूवी ऑलरेडी कंफर्म्ड बाय द नेटफ्लिक्स एंड नाउ रूमर्स निकल कर आए हैं कि टॉम हार्डी एंड लिंडसे लोहन इस मूवी में कास्ट लिए गए हैं और एक और कैरेक्टर एंड्रू स्कॉट ने नाइव्स आउट 3 मूवी को ऑफिशियली ज्वाइन कर लिया है। वेल द एक्सोसिस्ट की एक न्यू मूवी अंडर डेवलपमेंट में है और इस मूवी के डायरेक्टर एंड राइटर होंगे माइक फ्लैनेगन। और ये जो न्यू एक्सोसिस्ट मूवी है, ये मूवी अपने प्रीवियसली मूवी की कोई भी सीक्वल नहीं होगी, मतलब कि ये जो न्यू मूवी है द एक्सोसिस्ट की, ये मूवी एक न्यू डायरेक्शन लेगी, मतलब इस मूवी का कोई भी लेना देना नहीं होगा अपने प्रीवियसली पार्ट से, जहां ये एक्सोसिस्ट की मूवी एक न्यू टेक लेगी। और इस मूवी को प्रोड्यूस करेंगे ब्लमहाउस एंड मॉर्गन क्रीक। मास्टर्स ऑफ द यूनिवर्स हीमैन की एक लाइव एक्शन मूवी पे काम चल रहा है एंड नाउ निकोलस ग्लेडजिन को एज हीमैन ऑफिशियली कास्ट कर लिया गया है इस मूवी के लिए। और मास्टर्स ऑफ द यूनिवर्स लाइव एक्शन मूवी रिलीज होगी June 5, 2026 को। वेल जहाँ में पहले लग रहा था कि स्पाइडरमैन 4 मूवी में ब्लैक कैट अपीयर हो सकती है, जहाँ खैर बता दूं ये भी ऑफिशियली कंफर्म नहीं है, बट हाँ इसकी हाई पॉसिबिलिटी है कि ये कैरेक्टर अपीयर हो सकता है। तो हमें लग रहा था कि स्पाइडरमैन 4 मूवी में जो ब्लैक कैट का कैरेक्टर अपीयर होगा उसका रोल मे बी सिडनी स्वीनी प्ले कर सकती हैं, बट नाउ अब जो रूमर्स निकल कर आए हैं वो कुछ और ही क्लेम कर रहे हैं एंड नाउ अकॉर्डिंग टू रूमर्स सिडनी स्वीनी ब्लैक कैट का रोल नहीं, ये द ब्लॉन्ड पैंथम का रोल प्ले कर सकती है एमसीयू में। इनफैक्ट इस कैरेक्टर की एक स्टैंड अलोन सीरीज भी आएगी डिज्नी प्लस पर, जिसे प्रोड्यूस करेंगी हमारी वन एंड ओनली स्कारलेट जोहानसन। और हाँ ये बात भी अलग है कि इस कैरेक्टर को लेके ये रूमर्स भी निकल कर आए थे कि टेलर स्विफ्ट ने MCU से बैठकर बात करिए इस कैरेक्टर को लेके, और उन्होंने क्या बातचीत करी है उनसे ये तो नहीं पता, बट हाँ ये पता किस बारे में बातचीत करी है इसका हिंट जरूर मिला है रूमर्स के थ्रू। तो आप लोगों को क्या लगता है, सिडनी स्वीनी एज ब्लॉन्ड पैंथम या टेलर स्विफ्ट, कौन बेटर रहेगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो जब स्पाइडरमैन के यूनिवर्स के कैरेक्टर की बात करी जा रही है, क्यों ना स्पाइडरमैन 4 की बात करी जाए। और वैसे भी स्पाइडरमैन 4 से एक अच्छी अपडेट निकल कर आई है जिसे रूमर्स बोलना ठीक रहेगा। वेल अकॉर्डिंग टू रूमर्स टॉम हॉलैंड एज स्पाइडरमैन और ये बंदा फिर से ग्रीन गोब्लिन डॉक्टर ऑक्टोपस से फिर से मुकालात करेगा एमसीयू में, जहाँ प्रॉब्ली वो मुकालात होगी स्पाइडरमैन 4 मूवी में। बट एज पर द रूमर्स ग्रीन गोब्लिन एंड डॉक्टर ऑक्टोपस का जो रोल है, ये रोल कोई डिफरेंट एक्टर से प्ले करे, मतलब जो हमारे प्रीवियसली एक्टर्स थे जो इन रोल्स को प्ले करा करते थे, वो मे बी रिटर्न ना आए इन रोल को फिर से प्ले करने के लिए और इनके बदले कोई और न्यू एक्टर्स आएंगे जो इन रोल्स को प्ले करेंगे, मतलब कि ये दोनों जो कैरेक्टर हैं जो हमें एमसीयू में नजर आएंगे, इनका एक न्यू टेक लिया जाएगा और एक फ्रेश स्टार्ट की जाएगी एक न्यू एक्टर के साथ। बट स्टिल ये अनक्लियर है, जैसे कि मैंने आपको बताया रूमर्स हैं, तो ये सच भी हो सकते हैं और नहीं भी, 50-50 की पॉसिबिलिटी है। तो भैया नेक्स्ट मंथ से D23 के इवेंट स्टार्ट हो जाएंगे एंड वी नो D23 के इवेंट में डिज्नी अपनी अपकमिंग मूवीज की बात करता है, वी ऑल्सो नो डिज्नी एमसीयू को ऑन करता है, तो जाहिर सी बात है एमसीयू की भी अपकमिंग मूवी एंड सीरीज की अपडेट हमें D23 के इवेंट में देखने को मिलेंगी। सो पॉसिबिलिटी है कि कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड, अगाथा, ऑल अलोंग, डेडेविल, बोर्न अगेन, इनके टीजर ट्रेलर हमें इस इवेंट में देखने को मिल जाए एंड थंडरबोल्ट, वंडरमैन, आयरन हार्ट और इनकी सम फुटेज हमें इस इवेंट में देखने को मिले और सम न्यू अनाउंसमेंट भी हो सकती है इस इवेंट में, जस्ट लाइक मून नाइट सीजन 2। और मून नाइट के सीजन 2 की फ्यू डिटेल्स भी रिवील हुई हैं, जो बेसिकली रूमर्स हैं, बट हाँ स्ट्रॉन्ग रूमर्स हैं, तो सुन लेते हैं उन्हें। वेल जैसे कि हमने मून नाइट के सीजन 1 के एंडिंग में देखा था मार्क स्पेक्टर की थर्ड पर्सनैलिटी जैक लॉकली एंड नाउ अब कहा जा रहा है कि मून नाइट के सीजन 2 में जैक लॉकली ही मार्क स्पेक्टर की मेन पर्सनैलिटी होगी और साथ ही में सीजन 2 में हमें मल्टीपल विलन नजर आएंगे लाइक कैंग एंड मेफिस्टो। जी हाँ, मेफिस्टो हमें इस सीरीज में नजर आ सकता है एंड मे बी इस प्रोजेक्ट
सेट की ही थ्रू द मिडनाइट सन सेटअप करी जाए। और जो कैंग हमें मून नाइट के सीजन 2 में अपीयर हो सकता है, मे बी वो कैंग हो रामा टूथ। और इसका रीजन भी सिंपल है, क्योंकि रामा टूथ की जो बैक स्टोरी है वो उसे कनेक्ट करती है इजिप्ट से, और हम जानते हैं कि मून नाइट का भी अच्छा खासा लेना देना है इजिप्ट से। सो That's the reason। तो इस बार आई होप है कि इस बार के D23 में हमारे केविन फाइगी मून नाइट के सीजन 2 से रिलेटेड कुछ ना कुछ अपडेट दें। और जिस वे में मून नाइट के सीजन 2 की फ्यू डिटेल्स रिवील हुई हैं, उसी ही तरह आयरन हार्ट की फ्यू डिटेल्स भी रिवील हुई हैं। वेल, आयरन हार्ट सीरीज में द वुड मेन विलन होगा, और द वुड को डिफीट करने के लिए रीडी टीम अप करेगी ज़ेल्मा स्टैंटन से। और कॉमिक में ज़ेल्मा स्टैंटन एक लाइब्रेरियन होती है, और प्रोबेबली सीरीज में भी ज़ेल्मा एक लाइब्रेरियन ही हो। और वकांडा फॉरएवर मूवी से हमें पता है कि रीडी के अच्छे खासे रिलेशन बन चुके हैं वकांडा के लोगों से, तो इस सीरीज में हमें डोरा मिलाजी भी अपीयर होगी। और इस सीरीज के जो इवेंट होंगे वो वकांडा फॉरएवर मूवी के कुछ वीक के बाद के होंगे। और जैसे कि एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आयरन हार्ट सीरीज में मेफिस्टो भी अपीयर हो सकता है, और ये चीज यकीन कर मेरे भाई काफी टाइम से लोग कहते हुए आ रहे हैं। एंड नाउ रूमर्स निकल कर आए हैं कि इस सीरीज में मेफिस्टो ह्यूमन फॉर्म एंड डेमन फॉर्म दोनों की फॉर्म में अपीयर हो। सो फाइनली होप करते हैं कि मेफिस्टो हमें आयरन हार्ट सीरीज में नजर आ जाए, क्योंकि जितना मुझे याद है जहां फैंस पहले एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मेफिस्टो हमें वांडर विजन सीरीज में नजर आ सकता था, मतलब एमसीयू की जो पहली डिज्नी प्लस सीरीज थी उस सीरीज से ही फैंस ने उम्मीद लगा ली थी कि उस सीरीज में हमें मेफिस्टो नजर आएगा, बट ऐसा हुआ नहीं। सो उम्मीद करते हैं कि ऐसा हो जाए आयरन हार्ट सीरीज में। ब्लेड मूवी, एंड पता नहीं क्यों मेरे भाई इस मूवी का शनि कुछ ज्यादा ही भारी है। जहां ये कम था, क्या इस मूवी की स्टोरी के ऊपर काफी बार राइट कर दिया गया था, जिसके कारण मार्शल इस मूवी को छोड़ने वाले ही थे, बट खैर उन्होंने छोड़ा नहीं। एंड नाउ ब्लेड मूवी की स्टोरी फिर से रीराइट की जा रही है। भाई मार्शल को ये बात ना पता चले, क्या पता गुस्से में भी इस मूवी को छोड़ ही दें। और ऊपर से मार्वल स्टूडियो एक अनदर राइटर को और ढूंढ रहा है इस मूवी की स्टोरी को लिखने के लिए, माइकल ग्रीन के साथ। भाई मूवी बनाना तो खैर बहुत दूर की बात हो गई, पहले तुम इस मूवी की स्टोरी तो लिख लो। और अगर सच कहूं, अगर सब कुछ कायदे से चल रहा हो ना इस मूवी के साथ, अब तक ये मूवी देखने को भी मिल जाती सच में। बट यार इस मूवी के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, जहाँ इस मूवी को लिटरली काफी लंबा डिले मिल रहा है। पता नहीं अब कब जाकर रिलीज होगी ये मूवी। हॉकआई सीजन 2, वेल मुझे लग रहा था कि हॉकआई का सीजन 2 कैंसिल कर दिया जाएगा, बट नाउ रूमर्स निकल कर आए हैं कि हॉकआई का सीजन 2 सीजन 1 की ही तरह क्रिसमस के दौरान ही सेट किया जाएगा। और ऊपर से सीजन 2 में हमें क्लिंट बर्टन का भाई बार्नी बर्टन भी अपीयर हो सकता है। सो तुम्हें क्या लगता है, हॉकआई का सीजन 2 आना चाहिए या नहीं? थंडरबोल्ट्स मूवी की सम प्लॉट डिटेल्स रिवील हुई हैं, और हाँ यहाँ मैं आपको स्पॉइलर वार्निंग दे दूं, मे बी ये जानने के बाद शायद आपका मूवी देखने का मजा थोड़ा बहुत खराब हो जाए, तो स्पॉइलर वार्निंग का ध्यान रखना। वेल प्लॉट डिटेल ये है कि वेलेंटीना येलेना यूएस एजेंट घोस्ट एंड टास्क मास्टर को एक मिशन पे भेजेगी, और मिशन कुछ यूं होगा कि वो सारे के सारे वॉल्ट में जाएंगे किसी को मारने। लेकिन जब वो वॉल्ट पहुंचेंगे उन्हें पता चलेगा कि असल में ये एक ट्रैप है, और उस ट्रैप में वेलेंटीना असल में उन्हें भेज के उन्हें मरवाना चाहती थी, जिसके बाद ये सारे के सारे मिलके टीम अप करके वेलेंटीना के खिलाफ हो जाएंगे उसे हराने के लिए। और मे बी जिसे ये वॉल्ट में मारने जाएंगे वो और कोई नहीं, असल में होगा सेंट्री। और सेंट्री को देख इन्हें पता चली जाएगा भाई इसे मारना अपने बस की बात नहीं है, तो वो समझ जाएंगे असल में ट्रैप है, क्योंकि हम जानते हैं कि सेंट्री ऐसे लोगों की दस्तीसी कर सकता है खुलेआम, मतलब वो हल्को पेल सकता है, तो ये बच्चे लोग क्या होंगे उसके सामने। जहां मे बी येलेना यूएस एजेंट घोस्ट एंड टास्क मास्टर सेंट्री से मुकालात करते हुए नजर आ जाए, और असल में सेंट्री इन पे मुकालात दे मारे, जिसके बाद इन्हें रियलाइज हो जाए भाई नहीं नहीं भाई इसे हम पेल नहीं पाएंगे। एंड थंडरबोल्ट मूवी हमें नेक्स्ट ईयर देखने को मिलने वाली है, जिस मूवी की शूटिंग ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। जॉन कार्लो एस्पोसिटो एंड जॉन कार्लो एस्पोसिटो अपना एमसीयू में डेब्यू करने वाले हैं कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड मूवी से, जहां फिलहाल इनका कैरेक्टर कंफर्म तो नहीं किया गया है, बट फिलहाल उसे डिस्क्राइब किया जा रहा है एंटागनिस्ट एजेंट ऑफ केओस से। तो ये थी इस वीक की इंटरेस्टिंग अपडेट्स, मतलब जो भी मुझे इंटरेस्टिंग अपडेट्स लगी वो सारी अपडेट्स मैंने आज की इस वीडियो में कवर करी। सो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो थोड़ी बहुत पसंद आई होगी, जो रानी तो चाहिए। अगर आइए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही बेल आइकन दबाना, और हाँ इस वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना। सो भाई मिलता हूँ नेक्स्ट किसी वीडियो में, जब तक के लिए टाटा बाय।